हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए बच्चों का पिप बनाने का तरीका बताने जा रही हूँ। बच्चों का पिप कई कारणों से लगाया जाता है। एक तो ये कि जब उनको हम कुछ पानी खिलाते हैं, पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, कुछ खाने की चीज़ खिलाते हैं, तो वो जो यहाँ उनके खिड़की पर भीग जाता है और बच्चे से इरिटेट होते हैं, बार बार कपड़ा बदलने की भी नौबत आती है। हाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बच्चा उसमें काफ़ी परेशान होता है और माँ बाप को भी परेशानी होती है। तो उससे बचने के लिए, और कपड़ों में कभी कभी दूध की स्मेल रह जाती है, खाने पीने की स्मेल रह जाती है, तो उससे बचने के लिए हम बिप बनाते हैं। और बच्चे को नहलाने के बाद, जैसे अक्सर खिलाने की आदत होती है, फिर उस रंग को सुलाया जाता है, तो बिप लगा के खिलाने से बच्चे का कपड़ा बार बार चेंज ही करना पड़ता है। तो उसका ये देखिए, पहले आप मेजरमेंट देख लीजिए। ये इसका मेजरमेंट है। ये इसके यहाँ ये वाली जो लाइन है, ये मार्जिन दी गई है। मेन बिब जो तैयार होता है वो 6x6 का होता है। न्यू बॉर्न बेबी का मैं साइज़ बता रही हूँ। और मार्जिन के लिए ये 7x7 का हम कपड़ा लेंगे। और यहाँ पर 1-1 इंच का, ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 1 इंच का कॉर्नर लेकर के, और इसको यहाँ पे ये शेप दिया गया है। ये जो 1 इंच का कॉर्नर है, ये चारों तरफ लिया जाएगा और तब इसका गोलाई आएगी। ये एप्पल शेप में बनेगा। ये इसका नेक है, बच्चे की जहाँ पे गर्दन पे, ये जहाँ पे जो फिट होगा, ये 1.5 इंच की गहराई होगी। इसको हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करके कपड़े पे तब इसकी सिलाई करेंगे, फिर उसके बाद कटिंग होगी। ये देखिए, ये मैंने कपड़ा लिया हुआ है, ये मैंने निशान लगाया हुआ है। कपड़ा कॉटन का ही होना चाहिए, बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। ये देखिए, ये मैंने एप्पल शेप में तैयार किया हुआ है। ये इसकी नेक है, ये इसके साइड में है। इसको सीधे तरफ से हम इसकी सिलाई करेंगे। इसमें जो ये हिस्सा है, इसको हम ये बॉटम का जो नीचे हिस्सा रहेगा, ये नेक है, ये नीचे का हिस्सा है, इसको हम बाद में सिलेंगे। इसकी सिलाई हम यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक पूरी ले आएंगे। पहले ड्रॉ कर लेंगे, सिलाई करेंगे, उसके बाद उसकी कटिंग करेंगे, ताकि कपड़े की पकड़ बनी रहे। ये कपड़ा कॉटन का है और ये मैंने 2 लेयर में लिया है। ये कॉटन थोड़ा मेरा ये मोटा वाला है, इसलिए मैंने इसको अंदर से, इसमें कोई भी कपड़ा नहीं लगाया है। और इसमें अगर आपका कॉटन कपड़ा बहुत पतला है, तो आप उसमें रुई की हल्की लेयर लगाएं, फॉर्म ना लगाएं। फॉर्म गर्म करता है, रुई गर्म करेगी लेकिन नुकसान नहीं करेगी। बच्चे का जो स्किन होती है बहुत सॉफ्ट होती है, वो हर तरह का कपड़ा उनको नहीं सूट कर सकता। तो उनको आप फॉर्म या पॉलीथीन या ऐसा कुछ ना लगाएं जो उनके स्किन को नुकसान पहुंचाए। आप उसके अंदर कॉटन की हल्की लेयर, पतली लेयर, या कॉटन का कोई दूसरा कपड़ा, अगर आप इसको मोटा करना चाहती हैं तो ही लगाएं। नहीं तो अगर कॉटन कपड़े का डबल लेयर ले लेंगी, उतना ही काफ़ी है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे, सीधी तरफ से सिलाई कर रहे हैं। मैं कच्चे टाके लगा रही हूँ। आप भी जब आप कच्चे टाके लगा लें, उसके बाद आपको लगे कि हाँ सेटिंग सही हो गई है, तभी मशीन चलाएं। नहीं तो बार बार सिलाई कर देने से, बार बार उधड़ने से कपड़ा ख़राब होता है। ये वाली पूरी लाइन हो गई। अब हम यहाँ से ऐसे चलेंगे।
जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, अगर आपको बिप्पी और भी आगे ज़रूरत पड़ती है तो आप 1.5 इंच के हिसाब से उसका साइज़ बड़ा करते जाएं। ये न्यू बॉर्न बेबी का साइज़ बता रही हूँ, कम से कम 6 महीना तो आपका आराम से साइज़ चलेगा। आप इसकी ड्राफ्टिंग के समय आप इस पर जो अपने कागज़ पे जो ड्राफ्ट बनाए हैं उस पर अगर आपको लगे कि हाँ अब साइज़ शेप सही आ गया है तो उसको कटिंग करके उसको कपड़े पे रख करके और उसके बाद उसके किनारे किनारे चौक से ड्रॉ कर सकते हैं। कपड़ों पे कभी कभी डायरेक्ट चौक या स्केल या पेन पेंसिल का इस्तेमाल करने से कपड़े में गंदगी सी हो जाती है। जितना भी इसकी सिकड़न होगी ये यहाँ पर आ जाएगी, इसीलिए मैंने ये सिलने से मना किया था। अब इधर से हम पूरा ये इसकी जो तनाव खिंचाव है, क्योंकि हमने सारे गोलाई में सिलाई की है तो इसमें जो भी और रेब आता है वो फिर हम इधर निकाल देंगे, पूरी उंगलियों से जोड़ करते हुए इधर निकाल देंगे। अब इसके बाद इसको हम बंद कर देंगे। अब कपड़े में कोई तनाव खिंचाव नहीं है। अगर हम इसको यहाँ पहले बंद कर देंगे तो हो सकता है हमारा कपड़ा तलने लगता और रेप जैसा दिखाई देता, क्योंकि गोलाई में कपड़ा कटेगा तो वो फिर फिनिशिंग नहीं आती है सामान में। ये सही। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जहाँ से हमने सिलाई की है वहाँ से थोड़ा सा छोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ना है, बहुत थोड़ा सा छोड़ना है। इसकी हम फाइनल कटिंग कर देंगे। लगाने के लिए मैंने ये कंट्रास्ट कलर का, इसमें ये धीरे लाइनें बनी हुई हैं, इनका इस्तेमाल करूँगी ताकि ये और खूबसूरत लगे। अब इसको हमें सबसे पहले इस पाइपिंग का इस्तेमाल यहाँ से शुरू करना है। पहले हम इसको सिल देंगे, इसके बाद यहाँ पे जोड़ेंगे और इसको सिलने के साथ ही यहाँ पर सिले यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। इसके इसको हम ऐसे से डबल लेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। पाइपिंग और ये भी कपड़े की बनाइएगा जिससे अच्छी सफाई आ सके। पाइपिंग बाज़ार में आपको रेडीमेड भी मिल जाएंगी, प्लेन मिल जाएंगी, डॉट प्रिंटर मिल जाएंगी, जैसी आपको चाहिए आप ले सकती हैं या खुद घर पे बना सकती हैं।
अगर आप बहुत ज़्यादा सिलाई करती हैं, आपको सिलाई का बहुत शौक है, तो आप इस तरह से कपड़ों की पाइपिंग पहले से तैयार करके एक पूरा रोल तैयार करके रख सकती हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पे आपको तुरंत मिल जाए और समय का सही सदुपयोग हो सके, आप उसको इस्तेमाल कर सकें। और सामान तैयार रहता है तो कोई भी चीज़ बनाने में दिक्कत नहीं होती है। देखिए, ये पाइपिंग का कपड़ा बहुत ही पतला है, बहुत ही नरम, बहुत सॉफ्ट है। अब इसको हम यहाँ से पलट देंगे। इसको हम यहाँ से पलट के यहाँ पे ऐसे तपाई कर देंगे। पाइपिंग ऐसे लग जाएगी पूरी। Thank you.
आप इसमें इसको और अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि ये बेबी का है तो इसमें आप पतली वाली लेस किसी भी एक साइड जो सामने आपको रखना हो, मैंने तो बनाया है ये दोनों, तब से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें यहाँ पे पैच लगा देती हैं या लेस लगा देती हैं या एम्ब्रॉयडरी कर देती हैं तो ये एक ही तरफ से इस्तेमाल होगा, और ये मैंने एक ही ये दोनों तरफ से इस्तेमाल हो सकता है। हमारा ये हिस्सा बचा गर्दन। अब इसमें करीब हम ये आप 8 इंच की पट्टी एक्स्ट्रा लेंगे, 8 इंच इधर लेंगे और ये जितना आएगा करीब ये आएगा हमारा 5 इंच ही आएगा, तो 8 5 13 8 करीब हम ये 22 इंच की पट्टी लेंगे, ऐसे 22 इंच की पट्टी लेंगे। ये 22 इंच की पूरी पट्टी है और इसको ये बीच में हम ऐसे कट का निशान लगाएंगे। ये हमारा सेंटर आ गया पाइपिंग का और हमारे इसका सेंटर भी ये आ गया, यहाँ पे सेंटर आ गया। अब इस पट्टी को हम पाइपिंग को ऐसे फोल्ड करते हुए और ये जो सेंटर पे यहाँ निशान लगाया था यहाँ से ही इसको सिलना शुरू करेंगे, आधा इधर सिलेंगे आधा इधर सिलेंगे। ये जो आधा हमने छोड़ा था ये मैंने इसके यहाँ से ऐसे ऐसे इसको सिलने के लिए हमें पहले इसको सिलना होगा। अब इसको हम यहाँ से सिलेंगे, इसको यहाँ से इसको हमने यहाँ मुड़ा, फिर इसके बाद इसको हमने इस पर मुड़ दिया। इसे देखिए ध्यान से, ये जो खुला हुआ हिस्सा था
ये खुला हुआ हिस्सा इसको हमने अंदर मोड़ा और ये जो बंद हिस्सा था इसको हमने ऊपर मोड़ लिया। इसको हम सिलाई देखिए ये हम नेक के पास पहुंच गए हैं और ये हमारी डोरी भी इसी में बन गई है और हम इसको अब और इसको हम नेक को भी यहाँ पर पलट के इसको सफाई से सिल देंगे। यहाँ पे हल्का सा जो कॉर्नर मोटा सा आ जाता है उसको हम हल्के से काट देंगे, सिलाई ना कटने पाए हमारी और कपड़ा। ये देखिए हमारा नेक का हिस्सा भी तैयार हो गया। जैसे ये डोरी बनाई थी उसी तरह से ये डोरी भी तैयार हो जाएगी। मैंने कच्चा किया है, आप इस पर डायरेक्ट मशीन भी चला सकती हैं। इसी तरह से ये पूरी डोरी बन जाएगी और ये आपका गिफ्ट तैयार हो जाएगा। इसको आप बच्चे के गले में इस तरह से पीछे से इसको ऐसे डालें, इसको ऐसे हल्के से बांधे, उसके बाद आपका भी तैयार। आपको कैसा लगा आप देख सकते हैं। थैंक यू।